लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, मैं राजू जी। सो गाइज, फाइनली मैं आप लोग के लिए वो वीडियो ले आ चुका हूँ। आप लोग का बहुत ही ज़्यादा कमेंट आ रहा था, जी हाँ गाइज, हमारे एक वीडियो पर जिसमें हमने बताए थे कि रिम बिनाया किस तरीके से जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे उस वीडियो को नहीं देखे, रिम किस तरीके से बिनाया जाता है, मैं स्टेप बाय स्टेप उस वीडियो में बताया हूँ, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइज, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि रिम टाल किस तरीके से बनाया जाता है, जी हाँ गाइज, विदाउट मैकेनिक के। अगर आप हमारे इस पूरे वीडियो को देखते हैं तो रिम अलाइनमेंट किस तरीके से बनाया जाता है, रिम टाल किस तरीके से बनता है, जी गाइस, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से और स्टेप बाय स्टेप बताया हूँ। और गाइस, रिम टाल बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सब चीज़ मैं पूरे क्लियर किया हूँ इस पूरे वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं कि रिम टाल किस तरीके से बनाया जाता है तो हमारे इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और गाइस, स्किप करके बिल्कुल ना देखें, वीडियो को पूरा देखें तो आप लोग को डिटेल्स में समझ में आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और गाइस, अदर दोस्तों को शेयर जरूर करें, जी हाँ गाइस, क्योंकि अदर दोस्तों को भी काम में आने वाला यह वीडियो है। टाल मारने का रिलेटेड में कोई भी ऐसा आप लोग को प्रॉब्लम हो तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन टूल्स का जरूरत पड़ेगा रिम टाल बनाने से पहले। एक आपको टाल मशीन का जरूरत पड़ेगा, एक आपको तोता प्लास का जरूरत पड़ेगा, एक आपको 14-15 नंबर का स्पैनल का जरूरत पड़ेगा, दो हथौड़ी का जरूरत पड़ेगा, एक आपको रिम प्लेट का जरूरत पड़ेगा जिसे हम लोग रिम चढ़नी भी बोलते हैं, और एक आपको निप्पल रिंच का जरूरत पड़ेगा, जी हाँ गाइस। सो गाइस, ये देखिए सारा स्पोक हमारा लूज है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, अगर आप नया चक्का बना रहे हैं इसी तरीके से, हब नया है, स्पोक नया है और रिम नया है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरा स्पोक को टाइट करना है। टाइट किस तरीके से करना है, आपको एक लेवल बाई लेवल आपको टाइट करना है, एक लेवल, जी हाँ, ना कोई स्पोक को कम करना है, ना कोई स्पोक को ज़्यादा टाइट करना है, एक लेवल में सारा स्पोक को आपको टाइट करना है। किस तरीके से करना है चलिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ और बता देता हूँ। वाल्व का जो हॉल है यहाँ से लेकर के ये स्पोक को आपको पकड़ना है, ठीक है, वाल्व का जो हॉल है उसका बगल से पकड़ेंगे तो आप लोग को ज़्यादा सुविधा होगा रिम स्पोक मिलाने में, टाइट करने में। सो गाइस, तो हम देखिए इसको आपको टाइट किस तरीके से करना है, इसको आपको जो है कि आधा आधा टाइट करना है, ठीक है, आधा आधा स्पोक को आधा आधा टाइट करते हुए पूरा स्पोक को आपको आधा आधा टाइट कर लेना। चलिए हम टाइट करते फिर आप लोग को बताते हैं। सो गाइज, ये देखिए हमारा स्पोक जो है टाइट हो चुका है। इसके बाद क्या करना है आप लोग को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। वाल्व होल के पास में चला आया और हमारा सारा स्पोक टाइट हो चुका है। आप इस तरीके से पूरा स्पोक को टाइट कर लिए हैं। टाइट करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए हमने टाइट किस तरीके से किए हैं, ये देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने आधा आधे इतना इतना टाइट कर दिए, ठीक है। आधा टाइट करने के बाद क्या है कि आपको एक बार अपना स्पोक को छू करके देख लेना इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए हमारा स्पोक फिर भी लूज़ बता रहा है, ठीक है, आधा आधा टाइट करने के बाद। तो हमें क्या करना है, फिर से दो गुना करके टाइट करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है दो गुना करके फिर से टाइट करना है, दो गुना करके टाइट करते हुए फिर सारा स्पोक को आपको टाइट कर लेना। चलिए हम टाइट कर लेते फिर बताते हैं। सो गाइज, ये देखिए हमने जो है और दो दो गुना करके टाइट कर लिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो पूरा स्पोक को फिर से एक बार टाइट कर लेना है, उसके बावजूद भी नहीं होता है लेकिन तब पूरा स्पोक आपको छू करके देखना। तो हमारा देखिए ना प्रॉपरली टाइट हो चुका है, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा एकदम पूरा फुल टाइट हो चुका है स्पोक। इससे ज़्यादा हमें टाइट नहीं करना है, ठीक है, इतना ही टाइट होता है। आप लोग को देखिए इतना छू करके देखना, इतना हल्का सा ताकत लगा करके इतना देखना, इतना दब रहा कोई दिक्कत नहीं, इतना टाइट होता है, ठीक है। फुल टाइट आपको कर लेना है। पूरा स्पोक टाइट हो जाने के बाद क्या करना, अगर बाय द वे अगर आपका इतना दो बार मिलाने के बाद, दो बार स्पोक को टाइट करने के बावजूद भी अगर लूज़ बताता है बहुत ज़्यादा, तो आपको फिर से दो दो गुना करके टाइट करना है। और लास्ट में जब नहीं होता तो ये गुना को पूरा आपको जो है ना, ये जो थ्रेड देख रहे हैं स्पोक का, इसको पूरा झांप देना है, ठीक है, पूरा एकदम छिपा देना है ये नेपल से, ठीक है। नेपल वाली जो नट है ये स्पोक का थ्रेड को पूरा छिपा देना है, तो इससे क्या होगा पूरा स्पोक आपको टाइट हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस, पूरा स्पोक को बढ़िया से एक लेवल में टाइट करने के बाद क्या करना है, जब स्पोक आपका पूरा टाइट हो जाएगा तो फिर टाल मशीन में आपको चढ़ा लेना है। अब टाल किस तरीके से बनाना है आपको, चलिए आप लोग को बताते हैं। सो गाइस, सबसे पहले क्या करना है कि जो ये चक्का है आपका, चक्का जो टाल मशीन में चढ़ा दिए हैं, तो उसके बाद आपको हिला करके देखना है, ठीक है, इस तरीके से दायां और बायां, ठीक है। दायां बायां जब आप हिला करके देखेंगे तो चक्का अगर आपका प्ले बताता है, हल्का प्ले बताएगा, ढक बताएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये बैरिंग को टाइट कर लेना है। चलिए हम, मेरा हल्का सा प्ले बता रहा है, ठीक है, जैसे कि हम देखिए हिला रहे हैं तो हमें हल्का सा प्ले बता रहा है, ठीक है, तो हम इसे पहले टाइट करते हैं इस तरीके से।
इस तरीके से आपको जो है टाइट कर लेना है। अगर आपका चक्का अगर ढक रहेगा तो अगर आप टाल बनाते हैं तो आपका चक्का टाल सही से नहीं बनेगा। जी हाँ गाइस, तो ये चीज़ का आपको ध्यान देना है सबसे पहले। सो गाइस देखिए रिम टाल हमारा कितना है, इतना है, ठीक है। तो बहुत ही कम है ये रिम टाल हमारा, इसलिए कि हमने जो स्पोक एक लेवल में टाइट किए हैं इसके वजह से। अगर आप स्पोक को कम और बेसी टाइट कर देते हैं तो ये जो टाल आपको बता रहा है इससे बहुत ज़्यादा टाल बताएगा और चक्का आपका जंप भी होगा, इस तरीके से जंप होगा। तो हमारा देखिए खाली साइड टाल बता रहा है, जंप नहीं हो रहा हमारा चक्का, ठीक है। तो यही कारण है, स्पोक अगर आप एक लेवल में टाइट करते हैं तो आपका चक्का जंप नहीं होगा, खाली साइड टाल रहेगा। साइड टाल किस तरीके से बनाना है, एक साइड वाली टाल, जी हाँ, रिम अलाइनमेंट, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको जो है इस तरीके से यहाँ पर आप नेपल रिंग्स भी रख सकते हैं या फिर उंगली भी इस तरीके से रखना है। इस तरीके से आपको जो हाथ को रखना है और ये देखिए हमारा जो है रिम जो है नेपल में सट रहा है, ठीक है। हम जो हाथ को रखें इस तरीके से तो हमारा देखिए सट रहा है इस जगह में सट रहा। तो हम यहाँ पर इसको टाल किस तरीके से बनाना है देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस जगह से सटना स्टार्ट होगा, इस जगह से, ठीक है। तो यहाँ से आपको सटते हुए जा रहा है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है इस जगह से, ये स्पोक तक हमारा जो है राइट साइड में सट रहा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्पोक हमारा जो है, यानी 10 स्पोक यहाँ तक सट रहा राइट साइड में। तो हमें लेफ्ट साइड वाली स्पोक को टाइट करना है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड वाले टाइट किस तरीके से करना है, आपको जो सबसे पहले राइट साइड वाली स्पोक को देख लेना है, ज़्यादा टाइट तो नहीं है। अगर कोई ज़्यादा टाइट होगा तो उसे आपको लूज़ करना है हल्का हल्का और बाकी टाइट करना। चलिए हम आप लोग को दिखा देते हैं। तो गाइस तो देखिए हमारा राइट साइड में सट रहा था तो हम लेफ्ट साइड वाली स्पोक को टाइट कर रहे हैं, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सो गाइस ये देखिए हमने टाइट कर दी है लेफ्ट साइड वाले, अब हमारा टाल देखिए। सो गाइस इस जगह से हमारा फॉल्स स्टार्ट हो रहा है, तो इस जगह से यहाँ तक फॉल्स ख़त्म हो जा रहा है। तो यहाँ से के स्पोक हो रहा आपका इस जगह से, 1 2 3 4 स्पोक हो रहा, ठीक है। तो ये चारों स्पोक को हमको जो है टाइट करना, ठीक है, क्योंकि हमारा लेफ्ट साइड फॉल्स जा रहा तो हम राइट साइड वाले स्पोक को टाइट करेंगे। अगर राइट साइड फॉल्स जाता तो हम लेफ्ट साइड वाले स्पोक को टाइट करते, तो ये चीज़ का आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। हमारा ये देखिए इसमें हम जो बताएं आपको कि हमारा लेफ्ट साइड में फॉल्स जा रहा, तो लेफ्ट साइड में फॉल्स जा रहा, 2 4 स्पोक हमारा जो है इस जगह से राइट साइड वाले स्पोक टाइट होगा। और अगर आपका लेफ्ट साइड वाले स्पोक अगर ज़्यादा टाइट है तो उसे आप लूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हल्का सा लूज़ कर सकते हैं और बाकी राइट साइड वाली स्पोक टाइट होगा। चलिए हम करते हैं फिर आप लोग को बताते हैं, टाइट कर लेते हैं फिर आप लोग को बताते हैं। देखिए हमारा लेफ्ट साइड फॉल्स जा रहा था, हम राइट साइड वाली स्पोक को टाइट कर रहे हैं। देखिए हमने लेफ्ट साइड वाली स्पोक को टाइट कर और लेफ्ट साइड राइट साइड वाली स्पोक को हमने टाइट कर दी है। लेफ्ट साइड वाली देख लेते हैं, लेफ्ट साइड वाली हल्का जो है एक स्पोक ये सबसे ज़्यादा टाइट है, तो इसे हमें हल्का सा लूज़ करना, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है हल्का सा लूज़ करना, ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद क्या करना, फिर घुमाना है आपको रिम को और देखिए हमारा रिम अलाइनमेंट कितना ज़्यादा सीधा होते हुए जा रहा, ठीक है। तो फिर आपको इस तरीके से रखना है, इस तरीके से रखना और जिस तरीके से हम बताए हैं उसी तरीके से आपको जो है स्पोक को पकड़ लेना है, ठीक है। इस तरीके से पकड़ने के बाद यहाँ देखिए यहाँ पर हमारा फॉल्स जा रहा फिर से, ठीक है, इस जगह में ज़्यादा फॉल्स जा रहा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए हमारा इस जगह से फॉल्स जा रहा, तो ये स्पोक से फॉल्स जा रहा, तो यहाँ तक हमारा जो है फॉल्स क्लियर हो जा रहा, ठीक है। तो ये स्पोक हो रहा इसमें से हमको जो है 1 2 3 4 राइट साइड का स्पोक को हमें टाइट करना है उसी तरीके से। सो गाइज अब हम पूरा चक्का को पूरा कंप्लीट करते हैं, आप अलाइनमेंट हम पूरा क्लियर करते हैं उस देखिए, उसके बाद हम आप लोग को पूरा डिटेल्स में बताते हैं।
सो गाइज ये देखिए हमारा जो है रिम अलाइनमेंट एकदम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब बारीकी वाला जो टाल होता है, एकदम माइनर जो टाल होता है जिसमें पावर ब्रेक में चलता है रिम अलाइनमेंट मिलाया जाता है, जहाँ पावर ब्रेक में अगर जरा सा भी टाल रहेगा तो पावर ब्रेक सही से वर्क नहीं करेगा, बार बार ब्रेक में सटेगा। जी हाँ गाइज, तो वो माइनर अलाइनमेंट किस तरीके से मिलाया जाता है चलिए आप लोग को बताते हैं। सो गाइज सबसे पहले आप देखिए रिम जंप हमारा कहीं भी नहीं है, ठीक है। रिम जंप नहीं होने का कारण क्या कि हमने स्पोक को एक लेवल में टाइट किए थे। आप लोग अगर कर रहे हैं तो स्पोक को एक लेवल में टाइट करें। जी हाँ गाइज, मैं शुरू में भी बताया था और बीच में भी एक बार आप लोग को बता दे रहा हूँ, रिम स्पोक अगर आप एक लेवल में टाइट करते हैं रिम का स्पोक को, तो उसमें क्योंकि जंप नहीं होगा, ओनली फॉर साइड टाल रहेगा। तो साइड टाल हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब माइनर वाला जो टाल होता है उसे किस तरीके से मिलाना चलिए आप लोग को बताते हैं। सो गाइज सबसे पहले देखिए कि हमारा देखिए एकदम जरा सा माइनर टाल है, ठीक है। तो माइनर टाल कहाँ से होता है आप लोग को बता देते हैं। देखिए रिम में जो है आपको देखिए ये जो वाल्व है, वाल्व का ठीक सेंटर में आपको जो है वाल्व का ठीक सेंटर में देखिए यहाँ जॉइंट मिलेगा, ठीक है। रिम में आपको सभी रिम में जितने भी रिम है सारे में आपको जॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो जॉइंट के पास में क्या होता है कि किसी में फिनिशिंग ज़्यादा दिया हुआ रहता है, किसी में फिनिशिंग कम दिया हुआ रहता है। तो इस जगह में अगर आप रिम अलाइनमेंट सुधारना चाहेंगे, ठीक है, स्टील रिम में, तो वो आपको रिम अलाइनमेंट कभी भी नहीं सुधरेगा। जी हाँ गाइस, क्योंकि जॉइंट के पास में थोड़ा सा रह ही जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वेल्ड किया हुआ रहता है रिम, और इसको बढ़िया से फिनिशिंग के साथ में मिलाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा घिसने की वजह से, कम घिसने की वजह से यहाँ से रिम अलाइनमेंट थोड़ा सा रह जाता है। तो ये जॉइंट के पास कभी नहीं सुधरता है, लेकिन रिम अलाइनमेंट प्रॉपरली क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होता। और गाइस एक चीज़ बताना चाहेंगे, रिम अलाइनमेंट मिलाते कभी कदर आप निकलता रिम अलाइनमेंट मिलाते कभी आप देखिएगा कि हमारा एक जगह पे उठा हुआ मिलेगा, इस तरीके से जरा सा उठा हुआ मिलेगा। तो उसे आपको क्या करना है, इस तरीके से हथौड़ी लेना है और यहाँ पर साइड में रखना, और जहाँ आपको जरा सा उठा हुआ मिलेगा वहाँ पर क्या करना, इस तरीके से आपको ठोकना है, ठीक है, इस तरीके से ठोकना। तो हमारा ये रिम में कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, और जो माइनर जो अलाइनमेंट था, माइनर अलाइनमेंट उसी से मिलाया जाता है, जहाँ वो हल्का फुल्का उबड़ खबड़ रहेगा। जहाँ गाइस, तो उसका रीज़न क्या होता है कि ज़्यादा रिम पटकाने वजह से और इधर उधर होने की वजह से वो प्रॉब्लम आता है। जहाँ गाइस, अगर आप पुराना चक्का का टाल बना रहे, इस पर भी मैं एक वीडियो ले आऊँगा कि पुराना चक्का का रिम अलाइनमेंट किस तरीके से बनाया जाता है। ये हमने नया चक्का पूरा कंप्लीट करके आप लोग को बताए हैं। और माइनर वाला जो अलाइनमेंट है, एकदम जब आप पूरा एकदम रिम अलाइनमेंट मिला रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, तो एकदम आपको हाथ को जरा सा भी हिलाना नहीं है, एकदम हाथ को एकदम लेवल में यहाँ पर ही रखना है, ठीक है। और रखने के बाद एकदम जो है हल्का हल्का जहाँ सटेगा वहाँ क्या करना, वहाँ आपको एक स्पोक को हल्का सा, जैसे हमारा राइट साइड में सट रहा है, तो हम राइट साइड का स्पोक को हल्का सा लूज़ करेंगे। अगर पूरा ज़्यादा टाइट है तो, और टाइट है फिर भी, ठीक है, टाइट नहीं है तो हमें लूज़ नहीं करना, और टाइट है तब हमें हल्का सा लूज़ करना है। और उसका अपोजिट साइड वाला जो है लेफ्ट साइड वाला स्पोक, उसे क्या करना है, हल्का सा टाइट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिम अलाइनमेंट जो माइनर वाला है वो आपको मिला सकते हैं। जी गाइस, तो इसी तरीके से तो देखिए हमारा रिम अलाइनमेंट पूरा एकदम कंप्लीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आशा करता हूँ आप लोग को सही से रिम अलाइनमेंट के बारे में बता दिया हूँ। अगर आप लोग को कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो रिम अलाइनमेंट टाल मिलाने का समय में, तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी तक हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी का नेम है RajuJi1022, वहाँ पर आप हमें मैसेज कीजिए, मैं मैसेज के रिप्लाई एकदम 100% दूंगा। जी हाँ गाइज, तो चलिए इसी तरह के वीडियो हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, और भविष्य में आप लोग को इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगे हमारे चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, और अदर दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल है और अदर दोस्तों को काम में आने वाला यह वीडियो है। और गाइस, टाल मारने का रिलेटेड बहुत सारा वीडियो अभी आप लोग को मिलने वाले हैं हमारे इस चैनल पर बताएंगे। अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो एक लाइक कर दें। सो गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।